वैसे तो दक्षिण भारत के सभी मंदिरों की वास्तुकला हैरान कर देने वाली है, लेकिन आज हम आपको जिस मंदिर की यात्रा कराने वाले हैं उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु की काले रंग की मूर्ति है जो किसी ने बनाई नहीं है बल्कि वो खुद जमीन से प्रकट हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा तिवारी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको ले चलने वाले हैं तिरुमाला की पहाड़ियों पर बसे श्री तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर की यात्रा पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ तक पहुँचा कैसे जाएगा। सड़क, ट्रेन और बाय प्लेन तीनों तरह से आप यहाँ आ सकते हैं। इसका करीबी रेलवे स्टेशन तिरुपति रेलवे स्टेशन है जो कि मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। अगर आपके शहर से तिरुपति के लिए ट्रेन ना मिले तो आप रेडी गुंटा जंक्शन के लिए ट्रेन ले सकते हैं। रेडी गुंटा जंक्शन से मंदिर 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। नई दिल्ली से तिरुपति तक ट्रेन के स्लीपर क्लास का किराया 800 रुपये, थर्ड एसी का किराया 2100 रुपये, सेकेंड एसी का किराया 3100 रुपये और फर्स्ट एसी का किराया 4500 रुपये पड़ता है। रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको मंदिर ट्रस्ट की बसें मिल जाती हैं। और आपको एक बात बता दूं कि तिरुपति बालाजी कोई प्लेन जगह पे नहीं है बल्कि वो एक पहाड़ी पर है। अगर किसी कारण से बस नहीं मिल पा रही है तो आप तिरुपति रेलवे स्टेशन से 400 मीटर दूर बस स्टेशन से तिरुमाला के लिए 30 रुपये में बस ले सकते हैं, तो वहीं रेणीगुंटा से तिरुमाला के लिए 40 रुपये में बस मिल जाती है। यहाँ का करीबी एयरपोर्ट तिरुपति में ही है। नई दिल्ली से तिरुपति तक की फ्लाइट 3500 रुपये के आसपास की पड़ती है। अब जब हम यहाँ पहुँच गए हैं तो रुकने का भी जुगाड़ देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आकर हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। यहाँ रुकने के लिए आपको ट्रस्ट के बदलाए कमरे लेने होते हैं जिसकी बुकिंग आपको tirumala.org की वेबसाइट पर जाकर 90 दिन पहले करनी होती है। ऑनलाइन बुकिंग बहुत जल्दी भर जाती है, तो जाने से पहले ध्यान से समय पर अपना कमरा बुक कर लें। यहाँ का कमरा आपको 100 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच का पड़ जाता है। इसके अलावा आप तिरुमाला पहुंचकर बस स्टैंड के पास बने CR ऑफिस से भी कमरे की बुकिंग करा सकते हैं। उसके लिए बहुत लंबी लाइन होती है और उसका वेटिंग टाइम भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको रूम ना मिले तो आप CR ऑफिस के पास बने बड़े से हॉल में जा सकते हैं। यहाँ आप 10 से 20 रुपए देकर गद्दा ले सकते हैं और यहाँ आपको सामान रखने के लिए लॉकर भी मिल जाता है। तिरुमाला में आपको कोई भी प्राइवेट होटल नहीं मिलेगा, प्राइवेट होटल केवल तिरुपति में ही मिलेगा। अगर आप चाहें तो तिरुपति से आकर मंदिर के दर्शन करके वापस जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं खाने की। यहाँ मंदिर परिसर से 100 मीटर की दूरी पर भोजनालय है जहाँ सुबह 9 से 11 बजे तक नाश्ता और फिर 11 बजे से शाम 4 बजे तक और शाम 5 बजे से 10 बजे तक भोजन मिलता है, तो आप मंदिर का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। चलो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ दर्शन कैसे होते हैं। दर्शन करने के लिए आपको ई पास बनवाना होता है और ई पास बनवाने के लिए आपके पास आई कार्ड का होना बहुत जरूरी है और इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि पीक सीजन में यहाँ 36 से 48 घंटे लगते हैं, तो वही नॉर्मल सीजन में 20 से 24 घंटे लगते हैं। जो लोग लाइन में लगे होते हैं उनके लिए ट्रस्ट की तरफ से भोजन और बाथरूम जाने की व्यवस्था और सोने की व्यवस्था भी है। अगर आप चाहें तो आप स्पेशल पास ले सकते हैं जिसका चार्ज 300 रुपये है। आप चाहें तो मंदिर की वेबसाइट पर जाकर इसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप काउंटर से भी ले सकते हैं इसका टिकट। और स्पेशल पास से आपको 6 से 10 घंटे लगेंगे दर्शन करने के लिए। और आपको एक बात बता दें कि अगर आप फोन वगैरह अंदर मंदिर में ले जाते हैं तो वहाँ अलाउ नहीं है, इसीलिए आप अपना फोन अपने कमरे में ही छोड़कर जाएं। और यहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है दर्शन करने के लिए। मान्यता है कि बालाजी के दर्शन करने से पहले आप 12 स्वामी जी के दर्शन करें, लेकिन इससे पहले आप 12 स्वामी मंदिर के पास बने कुंड में स्नान जल करें। तिरुपति बालाजी में प्रसाद के रूप में लड्डू मिलते हैं, 20 रुपये में 2 लड्डू और 70 रुपये में 8 लड्डू मिलते हैं। यहाँ बाल चढ़ाने वाली परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा को मोक्कू कहा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पर डे यहाँ 20,000 लोग अपनी मर्जी से बालों का दान देते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ और कहाँ कहाँ घूमने वाला है। यहाँ आप पद्मावती माता का मंदिर, गोविंद राजा स्वामी मंदिर, कुंडल रामा स्वामी मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर और श्री राम मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। इन सभी जगहों को घुमाने के लिए ऑटो वाले 600 से 700 रुपए ले लेते हैं। वैसे तो साल भर में आप कभी भी दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन फिर भी जनवरी और फरवरी का मौसम तिरुपति बालाजी की यात्रा के लिए बेहतर माना जाता है। चलो अब दिल्ली से 2 लोगों के आने का बजट देख लेते हैं। ट्रेन का किराया 800 × 4 3200 रुपए, धर्मशाला का खर्चा करीब 200 रुपए, लोकल में घूमने का खर्चा करीब 1000 रुपए और खाने पीने का खर्चा करीब 600 रुपए, तो 2 लोगों का खर्चा हुआ 5000 रुपए। ऐसे में पर पर्सन 2500 रुपए खर्च करके आप तिरुपति बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के अलावा देश के किसी और शहर से आ रहे हैं तो आपके ट्रेन के खर्च में बदलाव हो सकता है, क्योंकि हमारे द्वारा बताया हुआ बजट अनुमानित होता है सबसे सस्ती यात्रा का होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार।